नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि जो इंसान आत्महत्या कर लेता है उसकी आत्मा को मुक्ति कैसे दिलाई जाए। किसी का सवाल था, ये बहुत अहम सवाल है ये, और इसलिए भी ये अहम है क्योंकि ऐसे लोगों की आत्मा प्रेत योनि में बहुत ज़्यादा तड़पती है, बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, और घर वाले भी परेशान रहते हैं जिनका ऐसा कोई परिजन रहा हो जिसने आत्महत्या करी हो। दोस्तों, हालांकि आत्महत्या एक ऐसा कदम है जो हर तरीके से नकारात्मक है, आप वक्त से पहले अपने जीवन को इस पंच तत्वों के बने हुए शरीर को ख़त्म कर देते हो जो कि ईश्वर की अनुमति के खिलाफ होता है। आप अपनी इस जर्नी को पहले ही ख़त्म कर देते हो जो जर्नी आपकी अभी बाकी थी, शेष थी। इसलिए प्रेत योनि में जाना तो 99.999% कह लो, 110% कह लो, बनता ही बनता है। प्रेत योनि में आपने भटकना ही भटकना है। पर प्रेत योनि से कैसे मुक्ति दिलाई जाए, ऐसी आत्मा को ये कैसे किया जाए, ये भी कुछ हद तक संभव हो सकता है, पर इसका प्रोसेस भी बहुत लंबा है। ऐसा नहीं है कि ऐसी आत्माएं जो है प्रेत योनि को छोड़ सकती हैं या प्रेत योनि से कोई यूं कह लीजिए कोई सब्स्टिट्यूट पा सकती हैं कि वहाँ से वो यहाँ चली गई हैं। वो पॉसिबल नहीं है। प्रेत योनि में वो भटकेंगी ही, पर ऐसी आत्माएं अगर प्रेत योनि में भी इतने अच्छे कर्म करें कि जो उच्च बली आत्माएं करती हैं, तब उनके लिए ऐसे चांसेस बन जाते हैं कि वो इनकार्नेशन की तरफ बढ़ जाएं या फिर मुक्ति की तरफ बढ़ जाएं। अगेन, मैंने एक बारी मुक्ति पे भी वीडियो और मोक्ष के लिए भी बनाई थी कि आपको बहुत अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। वो कर्म खाली एक दिन के कर्म नहीं होते, इट इज़ अ रूटीन प्रोसेस कि आपको अपने जीवन में शामिल करने होते हैं। जिस तरीके से इंसान 3 टाइम भोजन या 2 टाइम भोजन या भोजन ज़रूर करता है अपने पूरे जीवन काल में, इसी तरीके से आपको अपने हर दिन में उन अच्छे कर्मों को सम्मिलित करना होता है इस तरीके से कि मैक्सिमम केसेस में आपके द्वारा अच्छे कर्म हों। अगर हम बात करते हैं ऐसी आत्मा की जिसने आत्महत्या की, वो पहले ही ग्रीव्ड स्टेट में होती है, हेल्पलेस स्टेट में होती है, पैथेटिक स्टेट में होती है, नेगेटिव एटीट्यूड होता है ऐसी आत्माओं का, उनको नफरत होती है, गुस्सा होता है। अपनी मौत का कारण वो किसी ना किसी को समझती हैं, उस मौत का गुस्सा भी किसी ना किसी पे निकालती हैं, एक हर तरीके से हेट्रेड का ही वो होता है। पीसफुल उनकी सोल की स्टेट नहीं रहती। तो पहला पड़ाव तो आता है कि उनकी स्टेट ऑफ पैथेटिकनेस को ट्रांसफॉर्म किया जाए पीसफुल स्टेट में, मतलब उनके अंदर ये आत्मा के अंदर आत्मविश्वास आए कि वो रोना धोना छोड़े, ग्रीफ करना छोड़े, जिस कारण से उसने अपनी डेथ कॉज की थी उस कारण को भूलने की कोशिश करे, जिन लोगों को वो जिम्मेदार ठहरा रहा है या ठहरा रही है उस चीज़ से दूर निकलने की कोशिश करे। क्योंकि जितना ज़्यादा वो रिवेंज में रहेगी आत्मा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आत्महत्या कोई इंसान किसी ना किसी से परेशान होकर करता ही है, तो उस इंसान के प्रति एक नफरत पनपती रहती है, वो उसको ज़िम्मेदार ठहराता है अपनी मौत का। तो वो नफरत जब तक नहीं निकलती तब तक वो इस मोह माया के बंधन से नहीं निकलेगा। एंड मोक्ष स्टेट ऑफ निर्वाणा कि आपके अंदर आसक्ति ख़त्म हो जाना, और यहाँ पे आसक्ति मरने के बाद भी रह जाती है उस बदले की भावना की वजह से कि इस वजह से हुआ, इस इंसान के कारण हुआ, इसने मुझे प्यार नहीं किया या मुझे ठुकरा दिया या मेरे माँ बाप ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया या मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो मुझे डांटा या फिर यूं कह लो मुझे वो मिली नहीं इसलिए मैं डेथ कॉज करूँ। तो आसक्ति बनी रहती है एक स्पेसिफिक इंसान में इन द वे ऑफ रिवेंज या इन द वे ऑफ ऑब्सेशन, इन द वे ऑफ हेट्रेड। तो जब तक ये आसक्ति ख़त्म नहीं होती तब तक वो मोक्ष की तरफ आत्मा नहीं जा सकती या इनकार्नेशन के प्रोसेस के थ्रू भी नहीं बढ़ सकती, वो प्रेत योनि में ही भटकती रहेगी। अब प्रेत योनि से उसको निकलना है तो वो भी आसान नहीं है। प्रेत योनि का सपोज़ उसने 30 साल या 40 साल की उम्र में डेथ कॉज की अपनी, 25 साल का लड़का मर गया, तो आप शेष उसका जीवन सोचिए, अगर उसकी एज ग्रहों के हिसाब से 70 ईयर्स लिखी है, 80 ईयर्स लिखी है, या तो वो जो पीरियड है रिमेनिंग वो तो प्रेत योनि में वो काटेगा ही काटेगा क्योंकि शरीर पहले ख़त्म हो गया। अब उस प्रेत योनि में इतने सारे पड़ाव आ जाते हैं, पहली बात है वो अपनी उस आसक्ति से निकलेगा ही नहीं तो वो अच्छे काम कब करेगा। उसको प्रेत योनि में निरंतर अच्छे काम करने होंगे, भलाई के काम करने होंगे, या तो जहाँ पे ईश्वर की कोई गद्दी आती है, कोई मंदिर है वहाँ पे वो बैठ जाए, लोगों की मदद करे, लोगों को किसी के शरीर में आके मीडियम बन के लोगों का उपचार करे, पर वो उस उपचार की स्टेट भी उसकी आ ही नहीं सकती जब तक कि उसकी सोल की एनलाइटमेंट ना हो। सोल उसकी नेगेटिव हो चुकी होती है इस तरीके से डेथ कॉज होने की वजह से, नकारात्मक होती है, और जब तक वो उस नफरत से, उस ग्रीफ से, उस पेन से, दुख से नहीं निकलेगा बाहर या नहीं निकलेगी उसकी आत्मा, तब
तब तक वो इस स्टेट ऑफ कॉन्शियस में उसकी आत्मा आएगी ही नहीं कि मैं अपने जो है आगे के कर्म सुधारूं, या मैं भलाई के कार्य करूं, या मैं ये करूं, या मैं वो करूं, या मैं भगवान का दूत बन जाऊं, किसी के शरीर में जाके प्रेतों को बाहर निकालूं। वो स्टेट ऑफ कॉन्शियस आना बहुत लंबा प्रोसेस है, उसमें बहुत साल निकल जाएंगे, और उसमें भी कोई ना कोई बीच में मीडियम हो कहीं पे, आप जहाँ पे वो आए कम्युनिकेट करे, और वहाँ पे कोई बढ़िया तांत्रिक हो, कोई बढ़िया जिसके पास गद्दी हो उनकी, और तब वो इस काम के लिए उसको यूज़ करे उसकी सुकृति से, उसकी मर्ज़ी से, और रेगुलर बेसिस पे वो ऐसे काम करने लगे। तो पूरा चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे में अगर आप किसी के पास अपने उस बंदे को बुलवाते भी हो, तो ये भी हो सकता है कि वो आदमी आपको बेवकूफ़ बना दे, आपका बंदे को भी ले ले, कह दे मैं इससे भलाई के काम करवा रहा हूँ, और उसकी बजाय उससे गलत काम करवाने शुरू कर दे, या उसकी आत्मा को बांध के किसी के शरीर में डाल दे। तो आप किसी के फेस वैल्यू से तो जज नहीं कर सकते ना कि कोई इंसान आपके परिजन की आत्मा के साथ क्या करेगा, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे तो वो आपको मिलवाएगा नहीं, ना आपका कम्युनिकेशन होगा, ना मीडियम के थ्रू होगा। एक बार ही उसने करा दिया, बहुत है। उसके बाद वो कह देगा वो तो वहाँ भलाई में लगा हुआ है, वो तो यहाँ चला गया, वो तो वहाँ चला गया, आपको हर बात माननी पड़ेगी। तो सबसे मेन चीज़ है कि अगर वो जिसने सुसाइड कमिट किया है, अगर वो आपके घर में है जहाँ पे सुसाइड कमिट हुआ है, या कहीं भी है, तो आप उसके निमित्त रेगुलर बेसिस पे दान करो, रेगुलर बेसिस पे उसके जन्मदिन पे दान करो, रेगुलर बेसिस पे हर तारीख पे जो अच्छी तारीखें आती है, कोई त्यौहार है, अमावस है, पूर्णिमा है, उसके निमित्त मिठाइयाँ दान करो। रेगुलर बेसिस पे उसकी जो यूँ कह लीजिए उसके प्रति अपना जो एटीट्यूड है पॉजिटिव रखो। वो घर में भी होता है, अगर आपको लगता है कि वो घर में विचरण कर रहा होगा, या आपको सपनों में दिखाई देता है रोता हुआ या वो करता हुआ, तो आप मेरी पितर शांति धुनी जलाओ, या नॉर्मल आप धुनी भी जलाते हो, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा भी जलाते हो। उसको जलाते वक्त उसको आदेश दो कि भाई तू हमारा बेटा है, फलाना है, और अब तू ईश्वर के पास जा। इस तरीके से जब आप आदेश दोगे तो आत्मा की आसक्ति खत्म होने लगेगी। सपोज़ वो आपके घर में ही बैठा हुआ आप ही को सेध रहा है, माँ बाप को अपना कसूरवार मानता है, या बीवी को मानता है जिसकी वजह से आत्महत्या की, या बच्चों को मानता है जिसकी वजह से आत्महत्या की, तो वो हमेशा आपको सेधता रहेगा, तंग करता रहेगा, परेशान करता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका सब कुछ खिंड मिंड बर्बाद हो जाएगा, धीरे धीरे डाउनफॉल आना शुरू हो जाएगा। तो उसकी आसक्ति खत्म करना बहुत ज़रूरी है। जब तक उसकी आसक्ति खत्म नहीं होगी तब तक वो आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा। आसक्ति खत्म होगी तो उस पेन से निकलेगा, उस परेशानी से बाहर निकलेगा, उस रीज़न से बाहर निकलेगा जिस वजह से उसने अपने आप को ख़त्म किया था। तो रेगुलरली मेरी धुनी जलाइए घर में, और जलाते वक्त जब सारे में धुनी करते हुए दिखाते हुए उसको आदेश दीजिए कि भाई अब तू ईश्वर के पास जा, तू भगवान के पास जा, ताकि तेरी मुक्ति हो सके, ताकि तेरे को अगला पड़ाव मिल सके, तू ईश्वर के पास जा, बाकायदा उसका नाम लेके। और अगर उसका कोई स्पेसिफिक कमरा है तो वहाँ रेगुलरली धुनी करो और कहो तू भगवान के पास जा। चाहे पितर शांति धुनी कर लो मेरी, चाहे सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा धुनी कर लो, जो भी उसकी बिलोंगिंग्स हैं, कपड़े हैं, सामान है, धुनी दिखाने के बाद डोनेट कर दो। धुनी दिखाए बगैर डोनेट मत करना, क्योंकि बिना धुनी दिखाए डोनेट करोगे तो किसी ना किसी पे वो सवार हो जाएगा। तो धुनी दिखा के, क्योंकि जो पहनेगा उस पर सवार हो सकता है, तो रेगुलरली धुनी दिखाओ और जब डोनेट करो सारे कपड़े सामान उसका, ताकि उसकी आसक्ति ख़त्म हो। उसके निमित्त रेगुलरली मिठाइयों का दान करो, उसकी पसंद की चीज़ों का दान करो, वो खिलाओ लोगों को, और उसके प्रति एक सत्कर्म भी होने लगेगा इस दान से। और रेगुलर बेसिस पे जब आप धुनी करते रहोगे, उसको आदेश देते रहोगे भाई तुम भगवान के पास जाओ, या कभी जो है कि कहते हैं किसी मंदिर में गए, वहाँ उसके निमित्त प्रार्थना कर ली, रेगुलर बेसिस पे आप करोगे तो धीरे धीरे आपको चेंज आना शुरू हो जाएगा अपने घर में भी, एनवायरमेंट में भी, और उसकी खुद की पोजिशन भी बदलने लगेगी जब उसके निमित्त रेगुलरली दान होते रहेंगे। चाहे मिठाई का दान आपको पूरी ज़िंदगी करना पड़े, उसके निमित्त करते रहिए, आत्मा जहाँ भी होगी उसको सुकून मिलेगा, उसको शांति मिलेगी, उसके प्रति सत्कर्म बढ़ेंगे। और धुनी इस लेकर आ रहा हूँ ताकि उसका अटैचमेंट आपके उसमें से निकलेगा, उस ग्रीफ से निकलेगा, तभी वो आगे की तरफ बढ़ेगा, तभी वो ईश्वर की तरफ बढ़ेगा, तभी वो अच्छे कर्म करने के लिए आगे बढ़ेगा। तो आशा करता हूँ आपको आज का कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। दोस्तों ये प्रोसेस बहुत लंबा होने वाला है, अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जिसने आत्महत्या कर ली है, ये क्विक प्रोसेस नहीं है, हो सकता है इसमें पता नहीं कितने सालों लग जाए, और उसका भी प्रामाणिकता इसी बात पे है कि वो आपको सपने में आके क्या बताता है। जैसे हमने कुछ महीने धुनी की मेरी, कुछ महीने उसके निमित्त दान किया मिठाइयों का, फिर वो आपको कम्युनिकेट जरूर करेगा, बताएगा मुझे अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, जब उसका सामान कपड़े दान हो जाएंगे, तो उसके बाद आप एनालाइज कर सकते हैं कि उसकी अब आत्मा की स्टेट क्या है।
तो जिसका भी सवाल था आई होप उन्हें जवाब मिल गया होगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को ताकि आपको परलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया की जानकारी मिले। अगर आपको मेरी धुनी चाहिए तो मोबाइल नंबर 8130331007 पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कीजिए। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। इस पर आप धुनी भी मंगा सकते हैं, मेरे द्वारा अभिमंत्रित लॉकेट या कवच भी मंगा के पहन सकते हैं ताकि आपकी रक्षा हो। आप कुंडली भी बनवा सकते हैं मुझसे, कॉल कंसल्टेशन बुक करके मुझसे फ़ोन पर भी बातें कर सकते हैं। आपको ईमेल करना हो तो ईमेल कर सकते हैं अपनी कोई प्रॉब्लम मुझे, pulkitsingla901@gmail.com पे। डिस्क्रिप्शन में आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।